भावलपुर नामक गांव में एक गरीब किसान रघुवीर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, दो बच्चे गौरी और अमर थे। रघुवीर के पास जमीन तो थी, लेकिन साधन ना के बराबर थे। कुछ समय पहले उसके पास एक बैल था जो उसने अपनी गरीबी के कारण बेच दिया। परिवार की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? जमींदार के यहाँ से कितनी बार बुलावा आ चुका है, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं बाहर जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन मांज दूं? कम से कम महीने का राशन पानी का तो जुगाड़ हो ही जाएगा ना। ऐसी बातें मत किया कर गौरी की माँ, तेरी बातें मेरे दिल को तीर की तरह छल्ली कर देती हैं। मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। मेरी जोरू किसी और के घर जाकर काम करे, ना ना ना, मेरे से ना देखा जाएगा। मैं तो गाँव में अपना मुँह भी नहीं दिखा पाऊंगा। इतना क्यों सोच रहे हो? मैं क्या अपने लिए ये सब सोच रही हूँ? मैं भी तो परिवार के लिए ही सोच रही हूँ। मैं जानता हूँ सीता, लेकिन फिर भी ना, काम करने तो नहीं जाएगी। रघुवीर दिन रात इसी चिंता में घुलता जा रहा था कि वो बच्चों को ढंग का खाना तक नहीं दे पा रहा था। बच्चों के तन पर जो कपड़े थे उनमें भी पता नहीं कितने टुकड़े और कपड़ों के जोड़ कर काम चल रहा था। वो जब भी किसी से मदद मांगने जाता कि उसको हल दे दो या उसके खेतों में ट्रैक्टर चला दो, तो लोग उससे इस काम के लिए पैसे मांगते जो कि उसके पास बिल्कुल भी नहीं थे। वो उनको दिलासा देता कि फसल अच्छी हो जाएगी तो पैसे दे दूंगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। एक दिन अपने खेतों में फावड़े से जमीन को खोदते खोदते वो अधभरा सा हो गया। सूखी जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था। उसकी आंखों से पानी निकल निकल कर जमीन गीला कर रहे थे। उसकी आंखों के आगे बार बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था। इस समय वो अपने आप को इतना लाचार और निसहाय महसूस कर रहा था, और गांव का जमींदार गिद्ध की तरह उसकी जमीन पर आंखें गड़ाए बैठा था कि कब वो उससे मदद मांगने आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। और ये बात रघुवीर अच्छी तरह जानता था। जमींदार जब भी कभी रघुवीर से मिलता तो हमेशा एक ही बात बोलता, काहे रे रघुवीर इधर उधर धक्के खात रहता है, कितनी बार तो कहा है जमीन मुझे दे दे, अच्छे दाम दूंगा। आप बड़े लोग हो, जानता हूँ जमीन के अच्छे दाम दे दोगे, लेकिन फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? पैसा तो एक ना एक समय खत्म हो ही जाएगा। अगर मेरी मदद करनी है तो आप अपनी ट्यूबवेल का पानी क्यों नहीं दे देते? फोकट में पानी नहीं मिलता, 1000 रुपए दे दे मैं 2 दिन पानी चलवा दूंगा। जाओ जमींदार साहब जाओ, 1000 रुपए में 2 ही दिन पानी चलेगा? यानी कि हर बारी जब भी मैं पानी अपने खेतों में चलवाऊंगा तो 1000 रुपए दूंगा? अगर इतना ही अमीर होता तो अपनी ट्यूबवेल ना लगवा लेता। फिर जमींदार और रघुवीर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन, पिछले हफ्ते थोड़ा सा ही गेहूं पड़ा था जो मैंने पिसवा लिया, बस आज ही का आटा बचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तू अभी का तो खाना बना, शाम तक मैं देखता हूँ, कहीं दिहाड़ी पर काम कर लूंगा, 2 रोटी का जुगाड़ कैसे ना कैसे कर ही लूंगा। सीता खाना बनाने लगती है और दोनों बच्चे अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगते हैं। वो तो शुक्र था कि गांव में सरकारी स्कूल था जहाँ एक टाइम का खाना भी बच्चों को दिया जाता था। खाना खाकर बच्चे स्कूल चले जाते हैं और रघुवीर अपना गमछा उठाकर जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है तो देखता है सूट बूट में एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है। वो उसे बहुत पहचानने की कोशिश करता है। हाँ जी भाई साहब, किससे मिलना है? मैंने पहचाना नहीं। ये बोलकर तो तूने मेरा दिल तोड़ दिया रघुवीर, मुझे लगा था कि दुनिया में कोई मुझे पहचाने या ना पहचाने पर तू मुझे एक ही नजर में पहचान जाएगा। बस यही थी तेरी यारी दोस्ती, मैं तो तुझे कभी नहीं भूला। रघुवीर फिर ध्यान से उसका चेहरा देखता है और अपने गमछे को फेंक कर उसके गले लग जाता है और रोना शुरू कर देता है। हरी किशन, तुम हरी किशन हो ना? ओ मेरे दोस्त, मैं कैसे पहचानता जब तुम यहाँ से गए तो कितने छोटे से थे, अब देखो कैसे गबरू जवान दिख रहे हो। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे ओ गौरी की माँ, देख तो जरा कौन आया है। मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा, कौन है ये? भाभी जी नमस्ते, ये तो बावरा हो गया है, पहेलियां बुझाता रहेगा। मैं बता देता हूँ, मेरा नाम इकबाल है और हम दोनों बचपन से पक्के दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, आप ही इकबाल भैया हैं, बहुत बातें सुनी है मैंने इनके मुंह से। आइए भैया, अंदर आइए।
हरी किशन जब रघुवीर के घर के अंदर आता है तो घर की हालत देखकर उसे बड़ा सदमा सा लगता है। ये सब क्या है रघुवीर, तुमने अपनी और घर की क्या हालत बना रखी है? कुछ मत पूछ दोस्त, पता ही नहीं चला धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला गया। खेत में पैदावार नहीं होती, मेरे पास तो ट्यूबवेल भी नहीं है। लोगों से पानी मांगता हूँ तो वो पैसे मांगते हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी बस चल रही है। तो तूने कभी मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? ओह, तुम्हारे पास तो मेरा एड्रेस भी नहीं था और इस बीच में कभी गांव भी तो नहीं आया मैं। ये सब छोड़ो और मुझे ये बता कि गांव कैसे आना हुआ और तेरे परिवार में कौन कौन है, शादी वादी हुई तेरी या नहीं? हाँ हाँ भाई, सब ठीक है। बाबा गुजर चुके हैं, अम्मा है और शादी हो चुकी है। मेरी बीवी जरीना और दो बच्चे भी हैं। बेफिक्र रह, कुछ समय बाद वो लोग भी गांव आएंगे। पहले मैं यहाँ पर उनके रहने का ठिकाना अच्छे से बना लूं। अरे तू तो इतना बड़ा बाबू बन गया है, फिर गांव क्यों आना? यार अपनी मिट्टी की बात ही कुछ और होती है। वो तो बाबा की सरकारी नौकरी थी इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ा, पर दिल तो मेरा गाँव में ही रह गया था। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ही अपने खेतों में खेती करने का सोच रहे हैं। तब तक सीता खाने के लिए जो भी रूखा सूखा था घर में वो हरिकिशन के सामने रख देती है, जिसे हरिकिशन बड़े मजे से खाता है। फिर वो रघुवीर को बताता है कि वो और उसकी पत्नी एग्रीकल्चर में प्रोफेसर हैं और उन्होंने नए नए तरीकों की खेती करना सीखा है। अपने जमीनों पर अब वो खेती करेंगे और गाँव के लोगों को भी खेती करना सिखाएंगे। तो एक बार मेरे बारे में भी सोच, मुझे भी कुछ बता, खेत ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो फिक्र मत कर, हम मिलकर जल्दी सब कुछ कर लेंगे। अगले दिन ही हरिकिशन रघुवीर के साथ अपने खेतों में जाता है, जमीन का मुआयना करता है और कुछ मजदूरों को बुलाकर ट्यूबवेल लगवाता है। रघुवीर के साथ जाकर वो बढ़िया किस्म के अलग अलग तरह के बीज लेकर आता है। फिर उसे बताता है कि एक ही खेती के भरोसे नहीं रहना है, अब हर मौसम के हिसाब से खेती की जा सकती है। एक ही खेत में अलग अलग तरह की खेती करो। ये बातें सुनके रघुवीर जैसे जैसे हरिकिशन को बोलता है वैसे वैसे अपनी खेती करता है। दोनों दोस्त अपने अपने खेतों में मेहनत करते हैं। हरिकिशन का घर काफी पुराना हो चुका था इसलिए वो उसे मरम्मत के लिए दे देता है, जो कि अब लगभग पूरा हो चुका था। दो महीने बीतते बीतते ही रघुवीर देखता है कि उसके खेतों में सब्जियां उग गई, जिसे वो हरिकिशन की मदद से मंडी में बेचता है और मुनाफा कमाता है। घर आते समय, हरिकिशन आज तेरी वजह से मैं इतने कम समय में मुनाफा कमा पाया। सच में तू किसी फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आया है, जब मैं पूरी तरह ना उम्मीद हो गया था। कैसी बातें कर रहा है, हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो भला फिर हमारा क्या फायदा? सुन, कल मेरा परिवार भी गाँव आ रहा है, भाभी से कहना की अच्छा अच्छा खाना बनाकर रखे। बिल्कुल, मैं अभी सामान लेकर जाता हूँ। रघुवीर अपने बच्चों के लिए फल खरीद कर लाया था, सारे पैसे लाकर वो सीता के हाथों में रख देता है। सच में हरिकिशन भाई के आने से हमारी तो जिंदगी सवर गई, दोस्त हो तो ऐसा।